हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक फॉर्वर्ड एंड टैक्स कंट्रोल। फ्रेंड्स, ये है यूनी का X1S मॉडल। अगर आपका इसमें पिन लॉक पड़ जाता है या सिक्योरिटी लॉक पड़ जाता है, तो अगर उसको आपको अनलॉक करना है तो वो अनलॉक तरीका मैं आपको मैनुअली स्टेप से बताऊंगा। आप उसको अनलॉक करिएगा, लेकिन अनलॉक करने से पहले आप हमेशा ध्यान दीजिए कि इसमें आपका जीमेल आईडी पूछेगा। जीमेल आईडी पूछने के बाद इसमें FRP लॉक पूछने लगता है। तो मैं इस पहले आपको अनलॉक करना बताऊंगा, उसके बाद मेरी दूसरी वीडियो आएगी उसमें आपको इसकी FRP अनलॉक करना भी मैं बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल अभिषेक फॉर्मर का टैक्स सॉल्यूशन को देखते रहिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए जो शुरू करते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक फॉर्मर का टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आपके पास जो है जेनिक अगर X1S मॉडल होगा इस तरह का, तो ये देखिए मेरे पास आया है। तो इसमें क्या है कि सिक्योरिटी लॉक पड़ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके सिक्योरिटी लॉक को अगर तोड़ना है तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, फ़ोन जो होगा उसको स्विच ऑफ करना होगा। हम पहले फ़ोन को सबसे पहले स्विच ऑफ कर देंगे, इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके फ़ोन को हम स्विच ऑफ कर देंगे। ये देखिए आपका फ़ोन जो स्विच ऑफ हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए जो वॉल्यूम अप की देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल्यूम अप की है, वॉल्यूम अप की है। वॉल्यूम अप की को लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद पावर की को हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे हम पावर की और वॉल्यूम की को लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद हम पावर की को रिलीज़ कर देंगे। तो इस तरह से देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ये जियोनी का X1S मॉडल है। देखिए यहाँ पे आपको लिखेगा रिबूट सिस्टम नाउ। तो आपको करना क्या है, रिबूट सिस्टम नाउ पे नहीं जाना है, हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके हमें वाइप डाटा फैक्ट्री पे जाना है। हम जैसे ही वाइप फैक्ट्री करेंगे, एक ऑप्शन और आएगा डिलीट ऑल यूज़र डाटा। हम यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे। देखिए आपको क्या है कि इसको अगर आप फॉर्मेट करते हैं तो आपके फ़ोन का सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद इसमें जब आप इसको फॉर्मेट करते हैं तो इसमें आपका जीमेल आईडी मांगेगा। तो आपको अपना जीमेल आईडी पता होगा तो भी हाँ रिसेट करिएगा, और नहीं पता है तो भी मेरे वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कैसे आप इसको अनलॉक करेंगे FRP लॉक होने के बाद। देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स, ये हमने इसको वाइप डाटा फैक्ट्री कर दिया है। उसके बाद हम इसको फिर से रिबूट नाउ सिस्टम करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको रिबूट नाउ सिस्टम लिखा हुआ है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इसको पावर की को प्रेस कर देना है। ये देखिए आपका जो सिस्टम है अब ये रिबूट हो रहा है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप हार्ड रीसेट करने जा रहे हैं तो आपको आपको अपना जीमेल पता होना चाहिए, नहीं तो फिर FRP लॉक मांगने लगेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। और उसका भी तरीका मैं आपको अपने इस वीडियो पर बात बता सकता हूँ अपने चैनल अभिषेक फॉर्मर एंड टैक्स सॉल्यूशन पर। ये देखिए अब यहाँ पर जियोनी लिख के स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से आप अपने फ़ोन का जो लॉक है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। अपना जीमेल आईडी डालेंगे, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे सर ऑन नहीं हुआ, बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये अब मेरा लॉक खुल नहीं रहा है, जीमेल मांग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर गूगल FRP आप करते हैं, अगर हार्ड रीसेट करते हैं, तो आपको जीमेल ज़रूर उसमें डालना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको FRP लॉक मांगेगा। वो गूगल सिक्योरिटी होता है, FRP फैक्ट्री रीसेट सेटिंग की जो होती है उसकी सिक्योरिटी होती है FRP, तो फैक्ट्री रीसेट पासवर्ड होता है, वो आपको डालना पड़ेगा। उसका भी तरीका मैं आपको इस वीडियो के दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर आपको जियोनी लिख के आ रहा है, थोड़ा सा समय लेता है, इसको आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोई भी रिचार्ज का पैसा लिए ये देखिए आपका फ़ोन अब ऑन हो गया है। यहाँ पर हिंदी में दिख रहा है, मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। और उसके बाद देखिए गेट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सेटअप। फिर यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है, तो मैं सेलुलर नेटवर्क कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। वाईफाई से जोड़ के आपको करना पड़ सकता है, मैं तो अगर सिम में आपके नेट पैक है तो आप नेट पैक वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद आपको यहाँ पर फिर जीमेल आईडी पूछेगा, तो आपको अपना जीमेल आईडी लॉगिन करना पड़ेगा। आप जीमेल आईडी लॉगिन करेंगे तो आपका सेट जो है वो ऑन हो जाएगा और डाटा सारा आपका डिलीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल अभिषेक फॉर्मर का टैक्स सॉल्यूशन को देखने के लिए। थैंक यू।